अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्रों से जुड़े हुए कई प्रकार के शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठाती रहती है, इसी क्रम में आज रामविलास सिंह महाविद्यालय TI के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर नजरुल इस्लाम, जिनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री गोविंद गौतम के नेतृत्व में एक स्मारक पत्र दिया गया, जिसमें महाविद्यालय संबंधित कई मुद्दों का चर्चा जिक्र किया गया था, जिसमें लगातार वर्ग छात्रों के लिए वर्ग संचालन था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था थी, पुस्तकालय का निरंतर रूप से चलना था। इन तमाम जानकारी के बाद वर्तमान प्राचार्य ने बताया कि वो तो चाहते हैं कि महाविद्यालय में लगातार क्लास हो, वर्ग संचालित हो, क्योंकि महाविद्यालय में विषयवार प्रोफेसर हैं लेकिन छात्र ही उपस्थित नहीं होते हैं तो वो किनको पढ़ाएं। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि छात्र भी केवल परिणाम, प्रवेश और परीक्षा, इसी तीनों चीज़ पर फोकस करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव चल रहा है और इसके बाद दीपावली और छठ को लेके महाविद्यालय बंद रहेगा। इसके बाद जब पुनः महाविद्यालय खुलती है तो आप छात्र संगठन भी सहयोग करें और हम लगातार चाहेंगे कि महाविद्यालय में वर्ग संचालित हो।